एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपनी बुक यू आर द प्लेसिबो में लिखते हैं कि प्लेसिबो इज नॉट फैंटेसी, इट्स क्वांटम रियलिटी। यानी कि ये सिर्फ सुनने में एक छोटी सी बात नहीं है कि मन की शक्तियों से क्या बीमारियां कैसे ठीक हो सकती हैं, इसके पीछे क्वांटम कॉन्सेप्ट है, क्वांटम माइंड, क्वांटम बॉडी, जो हम धीरे धीरे ग्रेजुअली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसमें आपको बहुत वंडरफुल कॉन्सेप्ट मिलेंगे। आगे लिखते हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा, नो ऑर्गेनिज्म इन नेचर इज डिजाइंड टू विदस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है कि जो फेस करेगा और उसका इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। आगे इसमें हम समझेंगे ओपन फोकस टेक्निक, जो कि बुद्धिस्ट यूज करते हैं, उससे यूज करके कैसे हम अपनी बीमारियों को हील कर सकते हैं, अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। एंड नॉट सरप्राइजिंगली देन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हैज बीन लिंक्ड टू एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस, इंसोम्निया, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, अल्सर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कोल्ड, फ्लू, एजिंग एक्सेलरेशन, एलर्जीज, एंड देयर आर सो मेनी डिजीजेज। ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म स्ट्रेस का रिजल्ट्स होती हैं। अब अगर ऐसी सिचुएशन कोई भी फेस कर रहा है तो करना क्या है? करने के लिए इसमें कुछ चीजें हैं जिसे अपना कर हम इन चीजों को रिवर्स कर सकते हैं एंड स्लो डाउन कर सकते हैं। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है लेकिन हम उसे स्लो डाउन करते हैं। एंड इसमें बहुत अच्छी टेक्निक है जिसे हम कहते हैं बुद्धिस्ट ओपन फोकस टेक्निक। ओपन फोकस टेक्निक एक चला गया मेडिटेशन की टेक्निक है जिसे यूज करके हम अपने जिसे कहते हैं एनर्जी मेडिसिन को एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। रिसर्च इन ओपन फोकस टेक्निक, ऑन द अदर हैंड वी क्लोज आर आईज, टेक आर अटेंशन ऑफ द आउटर वर्ल्ड एंड इट्स ट्रैपिंग्स एंड इंस्टेड ओपन फोकस टू पे अटेंशन टू स्पेस अराउंड अस। यानी ओपन फोकस टेक्निक में हम बाहरी चीज़ें जो कि हमें ट्रैप करती हैं उनसे अपना ध्यान हटाते हैं एंड वी फोकस ऑन स्पेस अराउंड अस। वी आर ऑल मैटर बॉडी एंड एनर्जी बॉडी, तो हमें फोकस करना है जो स्पेस हमारे अराउंड है एंड इस स्पेस को वेव के टर्म में। नॉर्मली हम अपनी बॉडी को फिजिकल टर्म में देखते हैं, फिजिकल वे में देखते हैं, बट यहाँ पर ओपन फोकस टेक्निक में आपको आँखों को बंद करना है एंड विजुअलाइज करना है स्पेस अराउंड अस। अब कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि मेडिटेशन में ध्यान भटकता है, मेडिटेशन में थॉट्स आते हैं। जैसे ही आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे आप देखेंगे, हल्ला नहीं करो, आप देखेंगे कि आपका फोकस अपने आप सेंट्रलाइज्ड होता चला जाएगा, आपके बॉडी पर बाहर से आपका यानी आउटवर्ड टू इनवर्ड आपका फोकस होता चला जाएगा और इसे शिफ्ट करना है एनर्जी के टर्म में। कैसे? द रीजन इट वर्क्स इज दैट व्हेन वी आर सेंसिंग दिस स्पेस वी आर नॉट गिविंग आवर अटेंशन टू एनीथिंग मटीरियल, वी आर नॉट थिंकिंग। यानी जब हम ये ऐसा कर रहे होते हैं तब हम सोच नहीं रहे होते हैं। अभी आप आंखों को बंद करें एंड जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज द स्पेस अराउंड यू। आप देखेंगे कि अब आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं कि किसने क्या किया, किसने क्या बोला। आपका ध्यान अपने आप आउटर वर्ल्ड से फोकस होकर के शिफ्ट होकर के आपका ध्यान अपने बॉडी और उसके अराउंड जो स्पेस है उस पर आ जाएगा एंड यू आर नॉट थिंकिंग। और यही तो मेडिटेशन में करना है, थिंकिंग से बाहर आना है। आवर ब्रेन वेव पैटर्न शिफ्ट टू मोर रेस्टफुल क्रिएटिव अल्फा, तब हमारा ब्रेन वेव्स जो है अल्फा की तरफ जाता है। हम जानते हैं कि जो क्रिएटिव वेव पैटर्न है यानी मोर एक्टिव स्टेट में जब हम होते हैं तो बीटा स्टेट में होते हैं, तो बीटा से हमारा ब्रेन वेव्स अल्फा की तरफ शिफ्ट होता है एंड इवेंचुअली थीटा एज वेल, और धीरे धीरे अल्फा एंड थीटा एंड डेल्टा। इन दिस स्टेट आवर इनर वर्ल्ड बिकम्स मोर रियल टू अस देन टू आवर वर्ल्ड
इस स्टेट में हमारा इनर वर्ल्ड ज्यादा हम फोकस उस पर कर पाते हैं, विच मीन्स वी आर इन मच बेटर पोजिशन टू मेक द चेंज वी वॉन्ट टू मेक। जो हम अपने बॉडी में चेंजेस चाहते हैं वो इसी वक्त पॉसिबल होता है, यानी उसके लिए हमें एक काम एंड कंपोज्ड स्टेट में आना होता है एंड देन ग्रेजुअली फिजिकल चेंजेस आते हैं बाद में। पहले एनर्जी के लेवल पे चेंजेस आएंगे तभी वो फिजिकल लेवल पे चेंजेस आएंगे, क्योंकि मैटर से मैटर में मैनिफेस्ट नहीं होता है। रिसर्च शोज दैट दे व्हेन वी यूज द ओपन फोकस प्रॉपर्टी ब्रेन स्टार्ट्स टू बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड मोर सिंक्रोनाइज्ड, क्योंकि जब आपका ध्यान ही बाहरी सारी चीजों से हट गया, अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप में सेंट्रलाइज्ड हैं, फोकस्ड हैं, तो आपका ब्रेन वेव्स ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है टू विंस विद द डिफरेंट कंपार्टमेंट्स वर्किंग टुगेदर। हमारे ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो सब एक दूसरे से सिंक्रोनिसिटी में एक दूसरे से एक्सचेंज इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, तो अब वो ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं मोर ऑर्डरली फैशन एंड द व्हाट सिंक्स टुगेदर लिंक्स टुगेदर। जब ब्रेन के सारे जो न्यूरल पैटर्न्स हैं वो आपस में सिंक में आ जाएंगे तो वो ज़्यादा लिंक होंगे और ज़्यादा बेटर कम्युनिकेट कर पाएंगे एक दूसरे से। इन दिस लेवल कोहेरेंस द ब्रेन कैन नाउ सेंड मोर कोहेरेंट सिग्नल्स थ्रू आउट द एंटायर नर्वस सिस्टम टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो जब ब्रेन में सिंक्रोनिसिटी आ जाएगी, ब्रेन के जो इंफॉर्मेशन है एक दूसरे से ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड होकर एक दूसरे को इंफॉर्मेशन भेज पाएंगे एंड तब ये जब ब्रेन में ये पैटर्न डेवलप हो जाता है तब ब्रेन के जो पैटर्न्स हैं जो सिग्नल्स हैं बॉडी में ज्यादा आसानी से एब्जॉर्ब हो पाते हैं, आसानी से कन्वे हो पाते हैं थ्रू आउट द इंटायर नर्वस सिस्टम। एवरीथिंग स्टार्ट्स टू मूव इन रिदम, तब हमारी बॉडी रिदम में आना शुरू होती है वर्किंग टुगेदर। जब माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन बन जाता है, टुगेदर काम करने लगते हैं इंस्टेड ऑफ कैकोफोनी यानी कि केओस। सॉरी, नाउ आवर ब्रेन्स एंड आवर बॉडी आर प्लेइंग ब्यूटिफुल सिम्फनी। यही वक्त आता है जब हम चेंज कर पाते हैं अपनी बॉडी में, फिजिकल चेंजेस मैनिफेस्ट करने का यही समय होता है, यानी कि फ्रॉम इलनेस टू हेल्थ, फ्रॉम केओस टू सिम्फनी। द एंड रिजल्ट इज दैट वी फील मोर होल इंटीग्रेटेड एंड बैलेंस्ड। यही तो हमें चाहिए, मोर बैलेंस्ड, मोर इंटीग्रेटेड, मोर सिम्फनी एंड मोर। जब इस स्टेज में हम चले आते हैं एंड तब यही चीज़ें जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तब बॉडी की हीलिंग फास्ट होती है एंड तब आप अपने आप को मोर रिकवर कर पाएंगे। ये टेक्निक उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो या तो किसी एंग्जाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं या फिर नॉर्मल किसी जनरल स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं या फिर किसी फिजिकल एलिमेंट से, किसी फिजिकल डिजीज से गुजर रहे हैं, उन सब के लिए ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि जब माइंड बॉडी का कनेक्शन सिम्फनी आ जाता है फिर सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। होप यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और यहाँ तक जब आप वीडियो को देख लेंगे तब आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग कॉन्सेप्ट अपने वीडियोज़ पर लाते रहती हूँ।